बलरामपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने खुद को एक कमरे में बंद कर प्रिंसिपल के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया है। दरअसल छात्र प्रधानाचार्य के दुर्व्यवहार से आक्रोशित हैं और उन्होंने प्रिंसिपल का विरोध करते हुए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मामला घुलपुर गांव में स्थित नवोदय विद्यालय का है, जहां अच्छा खाना नहीं मिलने की वजह से छात्र काफी परेशान हैं। साथ ही छात्रों का आरोप है कि जब उनके परिजन मिलने आते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इन सब बातों से परेशान होकर छात्रों ने खुद को विद्यालय के एक बड़े हॉल में बंद कर लिया और किसी से मिलने या बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। जात देख के बात करती है, जो एससी वाले हैं उनको थारू बोलते हैं कि थारू का थारू ही रहेगा, एससी एससी वालों को। खाने पीने में कोई दिक्कत है? ये गार्जियन की कोई इज्जत नहीं करती। और खाने पीने के लिए मेस का मीटिंग हुई थी, उसमें एक बच्चे ने बोला, मैं कुछ वैसा बोल दिया था तो उन्होंने डांट कर बैठा दिया। तब से कोई बच्चा बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता। मीटिंग में उनकी चलती है, वो जो कहेंगी वो होगा, वो जो नहीं कहेंगी होगा। कितने बच्चे? खाना एकदम गीरा क्वालिटी का खाना मिलता है, दाल की जगह पानी मिलता है। कितने बच्चे इसमें हैं? और उसके बाद में इससे पहले जो कुछ हुआ था उसमें जो बच्चे नहीं शामिल थे, जो शामिल थे उन सबको भी एक साथ घसीट दिया क्लास देख के। कितने बच्चे इसमें हैं बेटा? चार क्लास है। तो अभी चाहते क्या होगा, मतलब चाहते क्या होगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, कि अगर कुछ होगा तो हम हमारे हाथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, अगर कुछ करोगे तो सीधा। और लोकल की धमकी देती है, कहती है कि हम लोकल है, यही क्या कर लोगे हमारा। तो अभी तुम लोग क्या चाहते हो बेटा? अभी हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग को डीएम आए या एससीडीसी आए, उन टीम से बात करेंगे। और मैं और हम लोग तो असल में कहती है, बोलते तुम लोग गंवारू हो, पता नहीं कहाँ से आ गए। अरे हम गंवारू है, मान गए हम, वो कहाँ से है? इंग्लैंड से आई है। ये बेटा ये क्या तुम लोग क्या कर रहे हो, भूख हड़ताल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? यस सर, कल दोपहर में खाना खाता तब से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। कितने बच्चे इसमें हैं? 24 घंटे से ऊपर होता जा रहा है। और पानी तक नहीं पिया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में पीने के लिए पानी नहीं आता, हम लोग को पीने के लिए बस पानी जाना पड़ता है। तो वहीं छात्र छात्राओं के अनशन की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में एसडीएम डीआरडीओएस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाने की कोशिश की। बच्चे हॉस्टल में बैठे हुए, दरवाजा नहीं खोल रहे, दौरा से खाना नहीं खाए, तो हम लोग ने वार्ता कर रहे हैं और समस्या का शीघ्र ही निदान कर लिया जाएगा और शेष जो जानकारी होगी जांच होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएंगे। फिलहाल अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन देते हुए बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।